हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस ऑनलाइन क्लास। दिस फिरदौस, आई एम योर मैथ टीचर। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 4, दैट इज़ क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट्स। इन आवर प्रीवियस ऑनलाइन सेशंस वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट फोर्थ चैप्टर, दैट इज़ क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट्स। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। So here you have to find the cubes and cubes root. So how can you find the, first of all I will show you how you can find the cubes. If cubes of a number, ठीक है, सो इफ यू हैव गिवेन एक्स एंड वेन एवर यू हैव गिवेन एक्स, या एक्स मीन्स एनी नंबर्स टू द पावर 3, देन इट इज सेड टू बी ए एक्स क्यूब्ड। ओके, अगर बच्चों एक्स के पावर 3 है ना, तो इसको क्या बोला जाएगा, क्यूब बोला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है, आपको x को कितना करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, x को 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपके पास 11 ऑफ क्यूब गिवन है, डेट मीन्स 11 इंटू 11 करना है। डेट मीन्स पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 11 को मल्टीप्लाई करोगे आप तो 1 2 1 आ जाएगा। फिर 11 से करोगे, अगर नहीं आता तो आप करके देख लेना एक बार 11 को। 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 1 जा 1 1 3 3 1। सो यू विल हैव 1 3 3 1, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो इस तरह से आपको क्या करना है, क्यूब बनाना है। नाउ हाउ कैन यू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। So a natural number is said to be a perfect cube if it is the cube of some natural number. अगर वो किसी natural number का अगर cube होगा तो वो perfect cube है। सब 1 का cube 1, 2 का cube 8, 3 का cube 7, 4 का cube 4, 5 का cube 125। तो ये सब आपका क्या है, आपका perfect cubes होगा। Test a given natural number is a perfect cube if it can be expressed as a product of ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। तो उसको शो करना है कैसे, तो उधर मैंने हम लोग स्क्वायर रूट्स में कुछ ट्रिक्स वगैरह गिवन था। यहाँ पे क्या करना है आपको, ट्रिक्स वगैरह तो गिवन नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करना है। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करते करते अगर आपको ट्रिपलेट ही मिल रहा है, यानी कि 3-3 नंबर का ही आपका जो है ग्रुप बन रहा है, तो वो क्या होगा आपका, वो नंबर क्या होगा आपका, परफेक्ट क्यूब होगा, वरना नहीं होगा। सो नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूँगा एक्सरसाइज 4A। सो इन एक्सरसाइज 4A यू हैव गिवन, दैट इज़ अ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज 8 ऑफ क्यूब, दैट इज 8 इंटू 8 इंटू 8। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 8 जा 64 इंटू 8 करोगे, 8 4 जा 32 3 8 6 जा 48 और 3 51। इस तरह से हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ क्या, 60 का क्यूब है, तो 60 इंटू 60 इंटू 60, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 जा 36 आ जाएगा, ये 2 0 बैठ जाएगा। फिर जब 6 से करोगे तो 216 आ जाएगा, उसके बाद ये 2 0 यहाँ 1 0, तो 3 0 आपका आ जाएगा। इस तरह से आंसर होता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे डेसिमल्स नंबर का गिवन है, सो क्वेश्चन नंबर 4 में बना रहा हूँ, 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, 0.05 ऑफ क्यूब। सो यहाँ पे क्या करना है, 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05। तो जब कभी भी इस तरह का नंबर आएगा आपके पास, वेन एवर यू हैव गिवन द डेसिमल नंबर्स, सो फॉरगेट अबाउट द जीरोस एंड ओनली मल्टीप्लाई द नंबर्स। सो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125।
Now let's count the point in each numbers. How many digits before the point is given? So first count 1, 2, 3, 4, 5, 6. So how many digits? Total digits 1, 2, 3 and 4 is nothing, put here 0. 5 also nothing, put here 0 and 6 also nothing, put here 0 and here 0.00125. So this is your required answer. Okay, so bachcho is tarah se banana hai, theek hai. Ab question number 2 of 2, that is 3.5 of cube. It means that 3.5 into 3.5 into 3.5. अगर आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई कर दो, फिर लास्ट में इसको पॉइंट काउंट कर दो. अगर थोड़ा सा और सिंपल करना चाहते हो तो पॉइंट रिप्लेस करके 10, पॉइंट रिप्लेस करके 10, पॉइंट रिप्लेस करके 10. 5 7 जा 5 2 जा 5 7 जा 5 2 जा 5 7 जा 5 2 जा. अब 7 7 जा 49 into 7, और यहाँ पे कितना 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा. इसको सॉल्व करो, 9 7 जा 63 6 4 4 जा 7 4 जा 28 28 28 and 6 कितना होगा 34. भाई अब इसको डिवाइड कर दो, 8 4 जा 32 8 2 जा 16 पॉइंट जीरो 8 8 जा 64 8 7 जा 56 8 5 जा 40. तो 42.875, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर इस तरह से बनता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है, नेक्स्ट आपके पास बाय वाला है ना, है ना. तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, ये जो आपको मिक्स्ड में गिवन है ना, दिस नंबर इज गिवन इन यू हैव मिक्स्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दिस मिक्स टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन फाइंड द क्यूब. सो आई विल शो यू क्वेश्चन नंबर 3 of 4. यू हैव गिवन 1 whole 3 by 10 ऑफ क्यूब. सो बिफोर फाइंडिंग द क्यूब, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज दिस इन टू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो 10 1 जा 10 प्लस 3, 13 by 10 of cube. So it means what? 13 by 10 into 13 by 10 into 13 by 10. So let's multiply 13 into 13 169 into 13. 10 10 10, what? 1000. अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, है ना. (2197) and (100). So this is 21197. So इस तरह से बच्चों आपको सॉल्व होता है एक्सरसाइज 3 4 4A. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 4 यू हैव गिवन दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर अ परफेक्ट स्क्वायर. Which of the following number are a perfect square? ठीक है, कौन सा नंबर क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर है. सो परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए उसको प्राइम फैक्टराइज प्रूफ का सॉल्व करना है बाई यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन. तो प्राइम फैक्टर्स जितना भी आएगा, अगर वो ट्रिपलेट फॉर्म करेगा, है ना, 3 3 का ग्रुप करेगा, तो वो आपका परफेक्ट क्यूब. तो परफेक्ट क्यूब होगा, वरना नहीं होगा. सो देखो क्वेश्चन नंबर 4. देखो ये सब आपका क्वेश्चन नंबर 2 2 4 3 by prime factorization. तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप इसका, 2 4 3 का आ जाएगा, तो 3 से डिविजिबल होगा, है ना, क्योंकि इसको ऐड करो आप,
4 + 3 = 7, 7 + 2 = 9. So 3 8 जा 3 1 जा, 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा. सो यहाँ पे कितना जाएगा, 2 4 3 का 3 × 3 × 3 × 3 × 3. सो क्या परफेक्ट क्यूब है, ट्रिपलेट बना? नहीं है, है ना? तो क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा हेयर लास्ट 2 3s डज नॉट फॉर्मिंग ट्रिपलेट. सो 2 4 3 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब. ठीक है, इस तरह से आपको परफॉर्म करना है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब आती है बारी यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, 3 4 3 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 3 4 3. अब ये बच्चों इसमें आपको क्या करना है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी अप्लाई करके चेक करना है. ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से 5 से 6 से भी नहीं होगा, 7 से देख लो. 7 4 जा 28, 34 में 28 चले गया, 6 बचा 6 63, 7 9 जा 63, और ये 7 7 जा, सो 7 1 जा. सो फ्रॉम हियर 3 4 3 जब कर रहे हो आप, 7 × 7 × 7 आ जाएगा. तो ये आपका ट्रिपलेट फॉर्म करना है, है ना, ट्रिपलेट फॉर्म करना है. तो हियर ऑल 7s फॉर्मिंग अ ट्रिपलेट. सो 3 4 3 इज परफेक्ट क्यूब एंड क्यूब रूट ऑफ 3 4 3 इज 7. 3 में से एक को ले लेना है, जैसे वहाँ पे स्क्वायर रूट में क्या था, 2 में से एक लेना पड़ता था, यहाँ पे 3 में से एक लेना पड़ेगा. ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है. ओके, सो डू एक्सरसाइज 4A फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 4. इन नेक्स्ट रेस्ट ऑफ क्वेश्चन 5 to 10 विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास. ओके देन, थैंक यू.